जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम विद्यापति जी, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में पहले आदिकाल के कवि हैं, उनकी जो एक पद है राधा की वंदना के बारे में पूर्णतः व्याख्या सहित आपको नॉलेज ज्ञान प्राप्त कराएंगे। जो भी विद्यापति जी हैं वह हमेशा भक्ति और श्रृंगार के पद लिखते हैं, तो उनकी जो राधा की वंदना है वह भक्ति के ऊपर है। राधा जी के भक्ति में सौंदर्य के रूप में उनकी विशेषता करते हुए वह कहते हैं कि वे कहते हैं देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आन मिलावल, खिति तल लाबन सार। उसके बाद कहते हैं अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेरह पड़े अधीर, मनमत कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मध गिर। और आगे की लाइन है कत कत लाखिमि चरण तल ने उछये रंगिन हेरी विभोरी, करु अभिलाख मनह पद पंकज अहो निस्कोर अगोरी। तो राधा की वंदना के, राधा जी की वंदना के लिए उन्होंने ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं उसको आपको एक एक पंक्ति करके हम व्याख्या सहित अर्थ सहित एक एक पद का अर्थ बताते हुए आपको आगे ले चलते हैं, जिसमें पहली लाइन है देख देख राधा रूप अपार, अपूरब के भी आन मिलावल, खिति तल लावन इसार। जिसमें देख देख राधा के अपूर्व जो सौंदर्यता है उसको देख कर, अपूरब मीन्स होता है अपूर्व मीन्स अपूर्व, और बीह मतलब ब्रह्मा, और लान मिलावल जो शब्द है उसका अर्थ होता है ला मिलाया है, और खिति मीन्स होता है छिति धरती। अर्थात वो कहते हैं कि देखिए राधा के अपार सौंदर्य को देखिए तो सही, अपरूप के भी आन मिलावल खिति तल लागन सार। न जाने ब्रह्मा ने इस राधा जी की रचना करने के लिए पृथ्वी के सौंदर्य जो होते हैं उनके सभी तत्वों को मिलाकर जैसे बनाया हुआ है। अर्थात वो कहते हैं ऐसा लगता है राधा जी की सौंदर्यता को देखकर कि जो ब्रह्मा हैं बनाने वाले विधाता, उन्होंने पृथ्वी की सभी अच्छी सौंदर्यताओं के तत्वों को मिलाकर बनाया हुआ है। आगे का लाइन देखते हैं, आगे की लाइन है अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेरत पड़त अधीर, अंग ही अंग अनंग मुरछायत, हेरत पड़त अधीर। जिसमें अनंग का अर्थ होता है कामदेव, मुरछायत का अर्थ होता है मूर्छित हो जाना, और हेरत का अर्थ होता है देखकर, और अधीर मतलब व्याकुल हो जाना। अंग ही अंग अनंग मुरछायत मतलब राधा जी के सौंदर्यता को देखकर कामदेव जो हैं वह कामदेव जी चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं, और हेरत पड़त अधीर, और उनकी सौंदर्यता को देखकर, हेरत मतलब देखकर, अधीर मतलब व्याकुल हो जाते हैं। अर्थात वो विद्यापति जी कहते हैं कि राजा जो है कामदेव, वो राधा जी को देखकर कामदेव जी चंचल बनकर मूर्छित हो जाते हैं। आगे की पंक्ति देखते हैं, विद्यापति जी कहते हैं मनमत कोटि मथन कर जे जन से हेरी मही मध गिर। मनमत मीन्स होता है कामदेव जी, और कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कोटि मतलब क्या होता है करोड़ों। मथन करु मथना अथवा लज्जित करना, और जे जन मीन्स होता है जो लोग, और से मीन्स होता है वह, हेर मीन्स होता है देखकर, और मही मीन्स होता है पृथ्वी, मध्य अर्थात मध्य में गिर पड़ना मतलब गिर मतलब गिर जाना। मनमथ मन को मथने वाले कामदेव जो लोगों को अपनी सुंदरता से लज्जित कर देते हैं वो कामदेव, और उन कामदेव को, हजारों कामदेव को लज्जित करने वाले कृष्ण जी, अर्थात जो हजारों कामदेव की सुंदरता को लज्जित कर देते हैं श्री कृष्ण जी, वह भी राधा को देखकर वहीं मध्य में ही पृथ्वी पर थोड़ा पीछे होकर पछाड़ के गिर जाते हैं। तो सीधे सीधे समझेंगे, जो कृष्ण हैं अपने रूप से सबको लज्जित करते हैं, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो गए। आगे की पंक्तियां देखते हैं, कत कत लखम चरण तल नियोछ रंगनी हेर विभोर। मतलब कत कत मतलब कितने कितने असंख्य, और लखमी मीन्स होता है लक्ष्मी, चरण तल मीन्स चरणों में, निछोए मीन्स होता है न्योछावर होना। परम सुंदरी राधा जी के सौंदर्य के सामने कितनी कितनी लक्ष्मियां जो हैं वह बेसुध होकर उनके चरणों में न्योछावर हो जाती हैं। अर्थात राधा जी की सुंदरता को देखकर बहुत असंख्य लक्ष्मियां बेसुध होकर, होश मतलब खोकर, न्योछावर हो जाती हैं उनके चरणों में। आगे की पंक्ति देखते हैं, आगे विद्यापति जी कहते हैं करु अभिलाख मन ही पद पंकज अहिनिशोर अगोरी। करु मीन्स होता है करता हूँ, अभिलाख मीन्स अभिलाषा, पद पंकज मीन्स चरण कमल, अहिनिश मीन्स दिन और रात, कोर मीन्स गोद, अगोर मीन्स सुरक्षित रखना। विद्यापति जी कहते हैं कि करु अभिलाख मैं अभिलाषा करता हूँ मन ही मन, अपने मन में पद पंकज राधा जी के चरणों में, अहिनिशोर अगोरी राधा जी के चरण कमलों को अपनी गोद में संभाल कर रख लूं और उनकी सेवा करता रहूं। अर्थात विद्यापति जी अभिलाषा करते हैं कि राधा जी के चरणों को दिन रात मैं अपनी गोद में संभाल कर रख सकूं और उनकी सेवा कर सकूं। और विद्यापति जी के इसी सेवा भाव को बताते हुए, अपने सेवा भाव को बताते हुए विद्यापति जी की राधा की वंदना पंक्ति पद समाप्त हो जाता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो अभी बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और बने रहें चैनल पर, आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सभी क्लासेज और सभी सिलेबस के बारे में यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।